आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी गली को घेर के अवैध निर्माण करा जा चुका है और काफ़ी समय से इसकी शिकायत करी जा रही थी। आज नगर निगम की टीम इस घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। देर आए दुरुस्त आए, एक कहावत है, आप सभी लोगों ने सुनी होगी। कानपुर नगर निगम ने इस कहावत को सच कर दिया है। घटना उत्तर प्रदेश में शहर कानपुर से है, जहां पे सालों से अवैध अतिक्रमण था, लेकिन कानपुर नगर निगम ने बुलडोजर से सालों पुराना अतिक्रमण ढा दिया है। नमस्कार, मैं मोंटू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। तमाम बार आपने देखा उत्तर प्रदेश के अंदर जो योगी सरकार का बुलडोजर है वो लोगों के जो मकान बने थे उनको धराशाह कर रहा था। इसी क्रम में कई लोगों ने तरह तरह के वाद विवाद भी किए हैं, लेकिन अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर में, तो आपको बता दें कानपुर के जोन 4 में चुन्नीगंज हाते में मौजूद एक अवैध अतिक्रमण जो बीते सालों से वहां पे मौजूद था, लोगों द्वारा शिकायत की जा रही थी, पर सालों से कोई संज्ञान सरकार द्वारा, नगर निगम द्वारा नहीं लिया गया था, जिसके बाद अब अवैध अतिक्रमण जो है वो हटाया गया है। तमाम गलियां जो 10-10 फुट की थीं, इस अवैध अतिक्रमण के चलते वो गली केवल 3 फुट की बच गई थी, जहां से लोगों को गाड़ियां, मोटरसाइकिल या फिर पैदल चलने में दिक्कत हो रही थी। जो पूरी जानकारी है आपसे साझा कर रहे हैं, देखिए। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी गली को घेर के अवैध निर्माण करा जा चुका है और काफ़ी समय से इसकी शिकायत करी जा रही थी। आज नगर निगम की टीम इस घटनास्थल पर पहुंच चुकी है और पूरा अतिक्रमण ध्वस्त किया जा रहा है। किस तरह से जो है अवैध निर्माण पूरी गली को घेर के किया गया था, नगर निगम की टीम ने किस तरह से पूरा अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिया। जो गली काफ़ी सालों से बंद पड़ी थी, आज यहाँ खुशी की लहर है, पूरी गली को तोड़ के इस गली को चौड़ा किया गया है। अब यहाँ के निवासियों को काफ़ी राहत महसूस होगी। नगर निगम की टीम यहाँ पूरी तरह मुस्तैद है। दो समांतर गलियाँ आमने सामने, जो एक तरफ 10 फुट की है जो बिल्कुल साफ है, गाड़ियाँ आती जाती हैं, और एक तरफ दूसरी जो आज नगर निगम की टीम ने ध्वस्त करी है, 2 फुट का रास्ता, 3 फुट का रास्ता रह गया था, जिसके वजह से सालों से यहाँ जो है गाड़ियाँ नहीं आ पा रही, लोगों को आने में आने दिक्कत होती थी। आज इस सरकार ने दिखा दिया कि जिस तरह से जो है कोई भी बाहुबली हो चाहे कोई हो, अगर अवैध है तो वो अवैध है, उसको आज नगर निगम की टीम ने ध्वस्त कर दिया। उससे मतलब नहीं, धर्म जाति से मतलब नहीं, अगर किसी का अवैध निर्माण है तो वो सरकार के द्वारा तोड़ा जा रहा है, आप उसका ये नमूना देख सकती है। क्या किस तरह महसूस करें कि क्या इसी तरह अतिक्रमण होना चाहिए? आप लोग इतने सालों से गलियों में बच्चे निकलना मुश्किल था, गाड़ियां निकलना मुश्किल था, क्या ये ठीक हुआ? अरे सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, आगे चल के अच्छा काम होगा, जनता को राहत मिलेगी, बस आगे चल गए। हेलो, जैसे कि आपने जानकारी में देखा, तमाम जो लोग हैं वो बहुत खुश हैं, सालों से अवैध अतिक्रमण वहां पे था, लोग डरते थे कि अगर हम इसके खिलाफ कुछ कहेंगे तो हमसे लड़ाई झगड़ा होगा, मोहल्ले का माहौल खराब होगा, तो इस वजह से भी जो लोग हैं वो बोलते नहीं हैं, शिकायत नहीं करते हैं। कुछ लोगों ने शिकायत करी थी, हमारे संवाददाता जो वहां मौजूद रहे, कैमरामैन मौजूद रहे, तमाम जो तस्वीरें हैं वो उन्होंने वहां से सीधी आपको दिखाई हैं, और इस अवैध अतिक्रमण के चलते जो प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई है, इस पे आपकी प्रतिक्रिया क्या है? बहुत ज़रूरी है कि अपने आप राय जो है वो कमेंट द्वारा साझा करें, अपने आसपास की जो घटनाएं हैं वो भी आप हमसे साझा कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को आप सपोर्ट करें, आप एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।